रहीम व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि हम अपने हेडर एंड फुटर टैग को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर में। तो व्यूअर्स, मैं अपने उस सैम्पल वेब पेज को ओपन करता हूं। उसमें मैं देख रहे हैं व्यूअर्स कि हमारे पास हेडर और फुटर दो टैग मौजूद हैं, लेकिन हेडर के अंदर हमने एक लॉगो की स्पेस भी रखी हुई है। अगर आप इस स्पेस को नहीं यूज़ करना चाहते तो व्यूअर्स आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक पूरा एक बैनर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने हेडर में प्लेस करने के लिए कोई बैनर बनाया हुआ है व्यूअर्स, तो आप यहां से इंसर्ट के मेन्यू में से इमेज को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन यहां पर जेन में रहे व्यूअर्स के उस वक्त आपका कर्सर जो है वो आपके हेडर टैग में होना चाहिए, और यहां पर आपका जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के ऊपर आपका जो टैग इंस्पेक्टर है, यहां पर आप देख रहे हैं कि डिव डॉट हेडर लास्ट वो टैग है या लास्ट वो डिवीन एरिया है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है इस वक्त। इसका मतलब है कि अब आप जो भी काम करेंगे वो आपका हेडर टैग पे इंप्लीमेंट होगा। तो हमें चूंकि यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट के मेन्यू में से व्यूअर्स इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ से मैं स्क्रॉल करके अपने वेब पेज में, अपने वेबसाइट में जो फोल्डर्स बने हुए हैं वहाँ से मैं इमेजेस या एसेट्स के फोल्डर में गया, और यहाँ से मुझे जो इमेज इंसर्ट करना है मैंने उसे सिलेक्ट किया व्यूअर्स। और सबसे पहले मुझे उसको ऑल्टरनेट टैग जो है वो इंसर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसका ऑल्टरनेट टैग फॉर एग्जाम्पल हेडर बैनर के नाम से इंसर्ट कर देता हूँ और ओके करता हूँ। व्यूअर्स, जो ही मैंने इसे ओके किया, आप देख रहे हैं कि हमारा जो बैनर है वो हमारे वेब पेज में टॉप पे हेडर प्लेस पे जो लग चुका है। अब व्यूअर्स, आती है बारी आपके फुटर टैग की। फुटर टैग में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉन्टेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन यूजुअली फुटर टैग जो इस्तेमाल किए जाते हैं आपके कॉपीराइट क्लेम्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ कि कॉपीराइट 2010-2011। ये मैंने कंटेंट्स यहाँ पर इंसर्ट किए, और अब मैं ब्राउज़र में देखता हूँ कि मेरा वेब पेज जब रेंडर किया जाएगा ब्राउज़र के थ्रू, तो मेरा वेब पेज कैसा लगेगा। आप देख रहे हैं व्यूवर्स कि मेरा वेब पेज हेडर में जो है वो मेरा रिक्वायर्ड इमेज इंसर्ट हो चुका है। और अगर हम बॉटम पे जाएं तो आप देख रहे हैं व्यूवर्स कि आपको जो फुटर टैग है उसमें आपको जो टेक्स्ट है वो आपको नज़र आ रहा है कि वो लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट लेफ्ट साइड पे अलाइन है। आप अगर इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा व्यूवर्स, उसके लिए बेसिकली आपको अपने फुटर टैग को एडिट करना होगा, चेंज करना होगा। आप अपने फुटर टैग को सिलेक्ट कीजिए अपने सी एस एस रूल्स के कैटेगरी में से। यहाँ पे व्यूवर्स आपको वो तमाम डिवीजंस मौजूद हैं जिनमें आपका पेज बटा हुआ है। यहाँ पे डॉट फुटर मैंने जो है वो सिलेक्ट किया क्योंकि मैं फुटर को एडिट करना चाहता हूँ। और व्यूवर्स, यहाँ पर व्यूवर्स ना सिर्फ मैं अपने टेक्स्ट का जो कलर चेंज कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मुझे फुटर में वाइट कलर के अंदर, या फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे डार्क ग्रीन कलर में जो है वो मेरे फुटर कॉन्टेंट्स नज़र आएँ। सेकेंडली व्यूवर्स, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो फुटर में जो मेरे टेक्स्ट है उसका साइज़ जो है वो 10 हो, 10 से ज़्यादा ना हो। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो फुटर के कॉन्टेंट्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में हैं, तो उसके लिए मुझे उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ेगी। तो कैटेगरी में से व्यूवर्स मैंने ब्लॉक को सिलेक्ट किया और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है मैं सेंटर कर देता हूँ, और इसको व्यूवर्स में अप्लाई कर देता हूँ। देखिए, जो ही मैंने इसे अप्लाई किया मेरे फॉन्ट का साइज़ भी चेंज हो गया, मेरे फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया, और मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो गया। व्यूवर्स, इसी तरह से हम अपने किसी भी डिव टैग के कंटेंट्स को, अपने डिव टैग के टेक्स्ट को या इमेजेस को जो है वो चेंज कर सकते हैं, अगर हम अपने डिव टैग की प्रॉपर्टीज़ को सी एस एस की मदद से जो है चेंज कर दें।